नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया में। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ब्रिटेन के वेल्स में गुजर चुके करीबियों की अस्थि विसर्जन के लिए लंबे समय से जगह तलाश रहे हिंदू और सिख समुदाय को सफलता मिल गई है। कार्डिफ के लंडन रोविन क्लब स्थित टैफ नदी पर दोनों समुदाय अब अंतिम क्रियाएं कर सकेंगे। बीते शनिवार को इस प्लेटफॉर्म की आधिकारिक रूप से शुरुआत हो गई है। इस कार्यक्रम में कार्डिफ काउंसिल के सदस्य और मंत्री मार्क ड्रिफॉर्ड भी शामिल हुए थे। 2016 में तैयार हुए अंतिम संस्कार ग्रुप वेल्स के अध्यक्ष बिमला पटेल ने कहा, कार्डिफ काउंसिल ने इस निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग किया था। साउथ वेल्स के रहने वाले लंडन रोविंग क्लब और हिंदू सिख समुदाय के सदस्यों ने अंतिम खर्चों को पूरा करने के लिए योगदान दिया है। उन्होंने बताया, सालों के कठिन परिश्रम के बाद आखिर में हमारे पास एक स्वीकृत इलाका है जहाँ परिवार आकर अपने प्रियजनों की अस्थियों को विसर्जन कर सकेंगे। भारत के खिलाफ पड़ोसी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की शुरुआत करते वक्त भारत ने दुनिया को तीन संदेश दिए, लेकिन आतंकियों को पनाहगार देश पाकिस्तान को यह संदेश पसंद नहीं आए और वो उल्टे कश्मीर राग अलापने लगा। दरअसल 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने का फैसला किया था और पड़ोसी देश इसे लेकर अभी भी शोर मचाते रहते हैं। आर्टिकल 370 हटाने के बाद ही पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में घूमकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं से मदद नहीं मिली। अब उसने मंगलवार को भारत पर उसके पड़ोस में रचनात्मक और सार्थक संवाद के किसी भी प्रयास पर निरंतर पानी फेरने का आरोप लगाया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताओं के संबंध में एक ट्वीट किया था, जिसके बारे में पूछे जाने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने यह बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका भारत समेत कई देशों को वैक्सीन उत्पादन में हर संभव मदद कर रहा है। व्हाइट हाउस में बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी दुनिया को टीके की आधा अरब खुराक देने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हम आधा बिलियन से ज्यादा खुराक की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सरीखे देश खुद वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम हूँ, इसके लिए और अधिक क्षमता प्रदान करने का प्रयास हो रहा है। हम ऐसा करने में उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, वैसे यह मुफ्त है, हम किसी से कुछ भी नहीं ले रहे और जितना संभव है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अमेरिका ने मंगलवार को बताया कि उसने अफगानिस्तान से लेकर जाम्बिया तक 60 से ज़्यादा देशों को कोविड 19 टीकों की 11 करोड़ से ज़्यादा खुराकें भेजी हैं। ये जानकारी अमेरिका में संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच दी गई, जहाँ वायरस के ज़्यादा संक्रामक डेल्टा स्वरूप का अधिक प्रभाव। नेपाल की काठमांडू घाटी के प्रशासन ने कोविड 19 को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को मंगलवार को 11 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मौजूदा लॉकडाउन बुधवार आधी रात को खत्म हो रहा था और घाटी के तीन जिलों काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर ने इसे बृहस्पतिवार से 7 दिन बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना निषेधाज्ञा के तहत शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुली रह सकती हैं। वहीं संबंधित इलाके में सार्वजनिक सभाओं, सामाजिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनों की अनुमति नहीं है। लोगों को घरों से निकलने के दौरान एक दूसरे से दूरी बनाए रखने और मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल जैसे हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। हालांकि स्कूल, सिनेमाघर और थिएटरों को भी खोलने की इजाज़त नहीं है। हाल के हफ्तों में काठमांडू घाटी के प्रशासन ने लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी है, लेकिन इसकी मियाद बार बार बढ़ाई गई है। घाटी में 29 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था और 4 जुलाई को सार्वजनिक और निजी परिवहन सेवा से संबंधित सभी पाबंदियों को वापस ले लिया गया था। दुकानों के खुले रहने का समय भी बढ़ा दिया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने एक बार फिर लॉकडाउन को 3 जिलों में बढ़ा दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण मामलों के बीच नए वेरिएंट्स पर रोक लगाने की चेतावनी जारी है। अगर किसी नागरिक ने राज्य की रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा की तो उस पर 3 साल का यात्रा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। एजेंसी ने नाम न प्रकाशित करते हुए आंतरिक स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि कुछ सऊदी नागरिक जिन्हें मई में मार्च 2020 के बाद
पहली बार अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई थी, उन्होंने यात्रा नियमों का उल्लंघन किया था। अधिकारी ने कहा, जो कोई भी उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उनकी वापसी पर भारी जुर्माना और कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही 3 साल के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, लेबनान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि चीन के तियानजिन शहर में 20 वर्षीय भारतीय छात्र की मौत हत्या थी और इस सिलसिले में एक विदेशी को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति की राष्ट्रीयता का अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। बिहार के गया जिला निवासी अमन नागसेन मियानजिन फॉरेन स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का छात्र था। 29 जुलाई को मृत पाया गया था। बिहार के गया जिला निवासी अमन नागसेन तियानजिन फॉरेन स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का छात्र था, वो 29 जुलाई को मृत पाया गया था। चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि रात करीब 8 बजे तियानजिन पुलिस के पास ये फोन आया था कि एक भारतीय छात्र का शव डॉर्मेट्री में पड़ा हुआ है। डॉर्मेट्री कई बिस्तरों वाला एक बड़ा कमरा होता है। मंत्रालय ने कहा, लोक सुरक्षा विभाग की शुरुआती जाँच में ये हत्या का मामला पाया गया है और संदिग्ध व्यक्ति विश्वविद्यालय का ही एक अन्य विदेशी छात्र है। संदिग्ध के खिलाफ जरूरी कदम उठाए गए हैं और मामले की अब भी जांच की जा रही है। श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सरकार से कोरोना के चलते लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होने पर मजदूरों को सीधा पैसे देकर मदद करने की सिफारिश की है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी पर कोरोना का प्रभाव विषय पर समिति ने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की। समिति की रिपोर्ट में कहा कि भारत के कुल 46.5 करोड़ मजदूरों में से करीब 42 करोड़ यानी करीब 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का है। समिति का मानना है कि अपनी संरचना और मौसमी रोजगार के चलते असंगठित क्षेत्र पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, लिहाजा इस क्षेत्र के मजदूरों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मदद के लिए समिति ने लंबे समय के साथ साथ जल्द उपाय करने की बात कही है। इसी सिलसिले में समिति ने सरकार से कोरोना जैसी विपदा के समय मजदूरों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करने की सिफारिश की। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में कम से कम एक कांस्य पदक पक्का कर लिया है। जैसे ही ओलंपिक में लवलीना का पदक पक्का हुआ है, वैसे ही उनके घर तक जाने वाली कच्ची सड़क अब पक्की हो गई है। स्थानीय विधायक विश्वजीत फूफंग ने लवलीना के घर तक की सड़क पर पत्थर डलवा के सड़क पक्की कर दी है और जल्द ही उसे पूरा ठीक भी कर दिया जाएगा। लवलीना बोरगोहिन ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत का पहला मुक्केबाजी पदक सुनिश्चित किया जब उन्होंने 30 जुलाई को पूर्व विश्व चैंपियन चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। स्थानीय विधायक विश्वजीत फूकन ने पदक जीतने के बाद उनके घर तक एक बेहतर सड़क बनाने की पहल की। जब वो पदक जीती तो असम सरकार उनके परिवार की आर्थिक मदद करती रही। आपको बता दें कि लवलीना ने कांस्य पदक भारत की झोली में पक्का कर दिया है, जिसके बाद उनके घर तक जाने वाली कच्ची सड़क को अब पक्का करने की कवायद में वहां के विधायक जुट गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि असम सरकार इससे पहले भी लवलीना का जो क्षेत्र है उसमें विकास के लिए कई दफा कई काम कर चुकी है। आपको बता दें कि कांस्य पदक लवलीना के खाते में जैसे ही जाने की बात कही गई, उसके बाद वहां पर विधायक विश्वजीत फूकन ने उनके घर तक जाने वाली कच्ची सड़क को पक्का करवाने का काम शुरू कर दिया है। भारत में 2 हफ्तों के अंदर जायडस कैडिला की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल सकती है। यह वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों के लिए 66% तक कारगर है।
जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन का 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर ट्रायल हुआ है। अब जल्द ही DCGI से अनुमति मिलने की उम्मीद। ये जानकारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर पॉल ने दी है। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी का तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। कैडिला ने कोरोना की वैक्सीन के लिए CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। कंपनी ने करीब 28,000 लोगों पर ट्रायल पूरा करने के बाद इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन यानी आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन दिया है, जिस पर CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी में डेटा एनालिसिस हो रहा है। कंपनी की तरफ से वैक्सीन ट्रायल का सारा डेटा दे दिया गया है। तो आपको बता दें कि जायडस कैडिला वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय मंजूरी की तमाम प्रक्रियाओं को अपनाने की जद्दोजहद में जुट गया है। आपको बता दें कि इसकी मंजूरी के लिए आवेदन दे दिया गया है, जिस पर CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी में डेटा एनालिसिस हो रहा है। 2 हफ्तों में बच्चों के लिए ये वैक्सीन आ सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि तीसरी लहर जो है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों पर पड़ने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में तमाम देशों में बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। तो इसके लिए जायडस की कैडिला वैक्सीन को भी मंजूरी मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मुंबई पुलिस ने एजुकेशनल ऐप BYJU के फाउंडर रविंद्रन के खिलाफ आपराधिक आधार में केस दर्ज किया है। रविंद्रन के खिलाफ UPSC पाठ्यक्रम में गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। रविंद्र के खिलाफ आरए कॉलोनी पुलिस स्टेशन में आपराधिक साजिश के लिए IPC की धारा 120B और IT एक्ट की धारा 69A के तहत केस दर्ज किया गया है। FIR में कंपनी के मालिक रविंद्रन का नाम भी शामिल है। आरए कॉलोनी पुलिस स्टेशन के मुताबिक ये FIR एक साइंस फर्म क्राइमोफोबिया की शिकायत पर दर्ज की गई है। BYJU पर आरोप लगा है कि उसने UPSC पाठ्यक्रम में कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी CBI UNTOC की एक नोडल एजेंसी है, जबकि CBI ने लिखित में साफ किया है कि वो UNTOC की नोडल एजेंसी नहीं है। तो आपको बता दें कि BYJU के फाउंडर रविंद्रन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। BYJU पर आरोप है कि उन्होंने UPSC में गलत जानकारी दी है। इसके बाद UPSC पाठ्यक्रम में जैसा कि कहा गया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी CBI UNTOC की एक नोडल एजेंसी बताया गया था, जबकि CBI ने लिखित रूप में एक कागज देकर यह साफ किया है कि वो UNTOC की नोडल एजेंसी नहीं है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि BYJU के फाउंडर रविंद्रन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर 40,000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 42,625 नए कोरोना केस आए हैं और 562 संक्रमितों की जान चली गई है। केरल में बीते दिन सबसे ज्यादा 23,675 नए मामले सामने आए। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटों में 36,668 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 5,395 एक्टिव केस बढ़ गए। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,17,68,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,25,757 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,09,33,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अभी भी 4,00,000 से ज्यादा है। कुल 4,10,353 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर व्यभिचार का कोई प्राथमिक सबूत नहीं है तो शादी के दौरान पैदा हुए बच्चे की वैधता स्थापित करने के लिए DNA परीक्षण का आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने निचली अदालत और बम्बई हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद में अपने बच्चे के DNA परीक्षण का आदेश देने की याचिका की अनुमति दी थी, क्योंकि उसने आरोप लगाया था कि वो उस बच्चे का जैविक पिता नहीं है और उसकी पत्नी के अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध थे। पीठ ने भारतीय एविडेंस अधिनियम की धारा 112 का उल्लेख किया।
जो कि एक बच्चे की वैधता के अनुमान के बारे में बताती है। पीठ का कहना है कि व्यभिचार साबित करने के लिए सीधे डीएनए परीक्षण का आदेश नहीं दिया जा सकता और निचली अदालत और हाई कोर्ट ने आदेश पारित करने में एक गलती की है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर आयोजित समारोहों में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों जैसे कोविड योद्धाओं और महामारी से पीड़ित होकर ठीक हो चुके कुछ लोगों को आमंत्रित करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र करने से बचे और स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाने के लिए जहां तक संभव हो तकनीक का भरपूर उपयोग किया जाए। यह लगातार दूसरा साल है जब केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड योद्धाओं को सम्मानित करने का सुझाव दिया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर कोविड 19 योद्धा जैसे डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सफाई कर्मचारी और कुछ व्यक्ति जो वायरस के हमले से उबर चुके हैं उन्हें आमंत्रित करने की सलाह दी। तो आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश पारित किया गया है, उसमें उन्होंने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि इस बार जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोई भी आयोजन किया जाए तो वहां पर कोरोना योद्धा जैसे कि स्वास्थ्य कर्मचारी इन लोगों को बुलाया जाए और इसके साथ ही ज़्यादा संख्या इकट्ठा करने से बचा जाए। इसके साथ ही वर्चुअल माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जाए। तो 15 अगस्त के मौके पर राज्य सरकारों के लिए एक आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप लोग कोरोना योद्धाओं जैसे स्वास्थ्य कर्मचारी और इसके साथ ही जो लोग कोरोना के दरमियान कोरोना से ठीक हुए हैं उनको आमंत्रित किया जाए और इसके साथ ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने से भी बचा जाए। कई माध्यम हैं जिनके जरिए ये आयोजन किए जा सकते हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम के जरिए इन आयोजनों को करवाने पर जोर दिया है। तो गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि इस बार आयोजनों में कोरोना योद्धाओं को आमंत्रित करें और इसके साथ ही भीड़ इकट्ठा करने से भी बचें। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मरीजों की मौत को लेकर केंद्र ने राज्यों से आंकड़े मांगे। केंद्र के सवाल पर अब तक महज 13 राज्यों ने जवाब दिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने राज्यों से ऐसे मामलों के आंकड़े देने की अपील की थी जिसमें मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई हो। बताया जा रहा है कि ये आंकड़े इसलिए मांगे गए हैं ताकि सदन में 13 अगस्त को खत्म हो रहे मानसून सत्र से पहले इन आंकड़ों को पेश किया जा सके। केंद्र ने संसद में लिखित बयान में कहा था कि कोरोना काल में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से होने की जानकारी नहीं है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से ऐसे मामलों की जानकारी नहीं दी गई थी जिसमें ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज की मौत हुई हो। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के सवाल पर केंद्र ने सदन में कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से विशेष तौर पर ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत के आंकड़े रिपोर्ट नहीं किए गए थे। तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी से जितनी लोगों की मौत हुई है उसका एक आधिकारिक रिकॉर्ड मांगा गया था केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों से, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि 13 राज्य सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने इस पर रिपोर्ट दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार रिपोर्ट मांग रहा है राज्यों से कि आप बताइए कि आपके राज्य में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन अभी तक सिर्फ 13 राज्यों ने इन आधिकारिक आंकड़ों को बताया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा में केंद्र ने यह बताया था कि अभी तक उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि किसी भी शख्स की कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान मौत हुई हो। इसके बाद आंकड़े मांगे गए और आंकड़ों में आपको बता दें कि सिर्फ 13 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक केंद्र को आधिकारिक आंकड़े दिए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में इतनी बारिश हुई है कि पूरा ग्वालियर चंबल क्षेत्र ही त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। इलाके के 1,170 गांव और हजारों की आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई है। खासतौर पर शिवपुरी और श्योपुर जिला इससे प्रभावित रहा। बाढ़ बारिश का सबसे बड़ा केंद्र एमपी का शिवपुरी जिला है
जहां 1100 गांव प्रभावित हुए हैं। इन 1100 में से 200 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और 22 गांव तो ऐसे हैं जहां चारों ओर बाढ़ ने कब्जा जमा लिया है। बाढ़ बारिश को लेकर प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में लगा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बाद सेना को भी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आर्मी भेजना ही सही होगा। आर्मी के 4 कॉलम की डिमांड की गई है। एक कॉलम में आर्मी के 80 लोग होते हैं। हालात खराब है। हमारे 2 मंत्री शिवपुरी में कंट्रोल रूम बनाकर ही बैठे हैं। तो आपको बता दें कि बाढ़ ने कोहराम मचाया है, जिसके बाद सरकार ने सेना को बुलाया है। वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना होने की खबरों से परेशान लोगों के लिए एक राहत बड़ी खबर है। खासतौर पर एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों के लिए हाल ही में देश के सशस्त्र बलों के 15.9 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स पर हुई स्टडी के मुताबिक कोविशील्ड के दोनों डोज लेने के बाद होने वाला कोरोना यानी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन 93% कम पाया गया है। यानी कोविशील्ड लगवाने वालों में वैक्सीनेशन के बाद होने वाले ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन 93% कम होंगे। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन को लेकर देश में हुई अब तक सबसे बड़ी स्टडी के अनुसार देश वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना होने की दर तकरीबन 1.6% है। यानी देश में पूरी तरह से वैक्सीनेटेड 1000 लोगों में 16 लोगों को दोबारा कोरोना हो सकता है। किसी शख्स को वैक्सीन की दोनों डोज लगने के 2 सप्ताह के बाद ही पूरी तरह वैक्सीनेटेड माना जाता है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की दर का अंदाजा लगाने वाली यह स्टडी चंडीगढ़ PGI ने की। देश के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश से हालात बेहाल। मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बुधवार को भी कई राज्यों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार के कुछ हिस्सों, सिक्किम के अलग अलग हिस्सों, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। झारखंड के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, विदर्भ के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में छिटपुट हल्की बारिश संभव है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।